साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में अन्य गद्य विधाएं रिपोर्टाज आत्मकथा और जीवनी रेखाचित्र संस्मरण यात्रा वृत्तांत। रिपोर्टाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगेय राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा। वस्तुतः ये विधा अखबार की रपट के बहुत नजदीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ साहसी पत्रकारों की रपटों से हुआ। इसी विधा में अमृत राय की लाल धरती और भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की भी गणना हो सकती है। नरोत्तम नागर, राम शरण शर्मा मुंशी आदि ने अनेक सफल रिपोर्टाज लिखे हैं। अश्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदंत आनंद कौशल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा और बांग्लादेश की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान धर्मवीर भारती ने ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से तथा विष्णुकांत शास्त्री ने भी युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे। आज रेडियो दूरदर्शन से अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्टाज कह सकते हैं। आत्मकथा और जीवनी आत्मकथा हिंदी में अकबर कालीन जैन कवि बनारसी दास ने ही अर्ध कथानक नाम से आत्मकथा लिखी थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती में और नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दश द्वार से सोपान तक नाम से चार खंडों में लिखी। राहुल जी ने मेरी जीवन यात्रा नाम से अनेक खंडों में आत्मकथा लिखी। यशपाल के सिंहावलोकन को भी आत्मकथा की ही कोटि में रखा जाएगा। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। इस बीच ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन प्रकाशित हुई, जो हिंदी के आत्मकथा साहित्य में ऐतिहासिक महत्व रखती है।
जीवनी। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु की जीवनी ब्रज रत्न दास ने लिखी, फिर प्राचीन महापुरुषों और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनियां लिखी गईं। स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना तीसरा खंड, अमृत राय का प्रेमचंद कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की आत्मकथा प्रसिद्ध हैं। रेखाचित्र संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधाएं हैं। हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 1947 ईस्वी में स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ, जिसमें संस्मरण और रेखाचित्र दोनों हैं। इसके पूर्व 1941 ईस्वी में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हो चुका था। महादेवी जी ने उपेक्षित एवं शोषित व्यक्तियों और पशु पक्षियों को संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में अपार ममता दी है। इनसे महादेवी जी का भी व्यक्तित्व उजागर होता है। शिव पूजन सहाय का रेखाचित्र संकलन वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपेंद्रनाथ अश्क का मंटो मेरा दुश्मन 1957 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ। संस्मरण लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं एवं साहित्यकारों पर प्रेरक संस्मरण लिखे। श्री राय कृष्णदास ने भारतेंदु से संबंधित दुर्लभ संस्मरण लिखे। राम वृक्ष बेनीपुरी के कुछ अविस्मरणीय संस्मरण माटी की मूर्तें में संकलित हैं। यात्रा वृत्तांत। इस युग में लेखकों ने अनेक यात्रा वृत्तांत लिखे। आधुनिक युग में इसका भी प्रवर्तन भारतेंदु ने किया था। प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी कृतियां इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन, मेरी चीन यात्रा आदि, भगवत शरण उपाध्याय, वो दुनिया, सागर की लहरों पर, अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यशपाल, लोहे की दीवार के दोनों ओर, स्वर्गोद्यान बिना सांप, राम वृक्ष बेनीपुरी, पांवों में पंख बांधकर, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, कमलेश्वर, खंडित यात्राएं, रात के बाद, प्रभाकर द्विवेदी, पार उतरी कहां जाई हो, धूप में सोई नदी, अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में अन्य गद्य विधाएं रिपोर्टाज, आत्मकथा और जीवनी, रेखाचित्र संस्मरण, यात्रा वृत्तांत।
साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।